सो हेलो गाइस, मैं अंकित फ्रॉम हिमालयन इंडियंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक और नई जगह, तो हमें ज्वाइन किया है वापस से हमारे ऑल टाइम फेवरेट राहुल भैया ने, और ऋषभ को भी अब आदत हो गई है मुझे लगता है ट्रिप्स की, आज इसने फिर से हमें ज्वाइन कर लिया। तो आज हम जा रहे हैं एक नई जगह पे। मैं उस जगह पे पहले ही बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन जो उस जगह पे एक स्पेसिफिक ये नया स्पॉट बना है, हॉट स्पॉट बना है, यहाँ पे हम पहले नहीं जा सके। तो ये है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो कि आईफिल टावर से भी 35 मीटर हाई है। तो इसका जो लास्ट आर्च है वो कंप्लीट हो चुका है, ब्रिज अभी पूरा नहीं बना है, लेकिन जो लास्ट आर्च है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमें देखने का मन कर रहा था और आपको दिखाने का मन कर रहा था, इसलिए आज हम जा रहे हैं वो ब्रिज देखने के लिए। ये ब्रिज जो है ये पड़ता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और रियासी जो है जम्मू से है 70 किलोमीटर, और ये जो ब्रिज है रियासी से भी 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर शायद आगे होगा। तो बाकी की बात है हम चलते चलते रास्ते में करते हैं। फिलहाल आप देखिए, हमेशा की तरह हमारी वही रोड है, वही रास्ता है, बस इस बार रूट हमारा चेंज होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। हेलो भैया, क्या हाल है? आप सुना, बैग शेक पैक करके तैयार थे? बिल्कुल, इधर आओ, इधर सही डालेंगे, इधर सही डालेंगे, आ जाओ। मैं बहुत देर से रेडी था। चलो ट्राइपॉड ले आओ, तो भाई करते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी भी प्लस बर्डिंग करते हैं। तो बर्डिंग में इंटरेस्ट भाई को बड़ा है, लेकिन बस ये है कि थोड़े कामकाज के झमेलों में फंस चुके हैं, मेरी तरह फंसे हुए थोड़े, इस ज्यादा नहीं मैं बयान करूंगा कैसे फंसे हुए बाकी, लेकिन फंस चुके हैं। तो लेकिन फिर भी आज इन्हें टाइम निकाल के हमारे साथ जा रहे हैं रियासी। तो चलिए चलते हैं रियासी, बाकी की बातें करते हैं सफर। पहुंच चुके हैं बन टोल प्लाजा। इस टोल की खासियत है हर 3 महीने में इनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और हम रोते जा रहे हैं। ओहो, देख सकते हैं आप के फास्ट ट्रैक के नाम पे बहुत ही फास्ट सर्विस चल रही है। लेफ्ट ले ले, ओह माय गॉड, फास्ट ट्रैक, देखते हैं इनका फास्ट ट्रैक कितना फास्ट है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आने वाली हैं अभी 3-4 खूबसूरत सी टनल। जम्मू के लोग तो काफ़ी बार जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो नहीं जा चुके हैं उनके लिए कह सकता हूँ। और आप देख सकते हैं जी न्यूज़ की तरह यहाँ पे बारिश तेज हो गई है। ओह माय गॉड, बारिश बंद होने वाली है क्योंकि हम टनल वाले हैं। हाँ, एक सेकेंड के लिए। और ये आ गई हमारी टनल। तो दोस्तों, ये एक कटरा रोड पे एक फेमस चाय का स्पॉट है, तो चलिए पीते हैं थोड़ी चाय। और यहाँ पे बनती है भाई चूल्हे वाली चाय। चूल्हा अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ चूल्हा क्या होता है। सो दिस इज चूल्हा, ये बनती है चाय भैया। 4 कप चाय चंगा पकौड़ियाँ ਕਿਹੜੇ? ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ? ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਲਹਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। भैया ये शॉप कितनी देर पुरानी है? भाई वो 80 साल पुरानी हो गई। 80 साल पुरानी, और तब भी पहले भी चूल्हे पे ही चाय बनती थी और आज भी? तो दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप शॉप देख रहे हो ये 80 साल पुरानी है, और आज भी, आज के टाइम में भी जो लोग गैस पे बना रहे हैं, सब पे बना रहे हैं, इनने अपना ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं छोड़ा है, ये आज भी चूल्हे पे चाय बनाते हैं। और इनका मानना ये है कि चूल्हे की चाय और गैस की चाय के टेस्ट में डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा।
तो चलिए बाकी हम चाय पीने के बाद बात करते हैं आपसे भाई साहब हमारी। तो चलो करते हैं गैस बनाने की तैयारी। चाय सही है भाई साहब, चाय सही है। और मौसम भी ऐसा है कि चाय ही बनती है, चाय और पकौड़े, चाहे जो मर्जी हो जाए हमारे साथ। इसके बाद गाड़ी में हम लोगों को बैठने दे या ना दे, लेकिन चाय पकौड़े जरूर खाएंगे आज। तो बाकी बातें करते हैं हम रास्ते में। तो दोस्तों काम हो गया थोड़ा ख़राब क्योंकि बारिश हो गई है भयंकर वाली तेज़। ये देखो आप, अब हम जा तो रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या फ्रूटफुल निकलेगा या नहीं निकलेगा, जो भी होगा चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम कटरा, और ऐसा है कुछ जाना तो हम चाहते हैं लेकिन टाइम की थोड़ी पाबंदी है तो हम नहीं जा सकते, वरना इससे बेस्ट मौका हो नहीं सकता वैष्णो देवी जाने का क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और मौसम भी कुछ आज ऐसा है कि क्या बताएं। और ये है कटरा, ये जो सामने रास्ता आप देख रही हो ये भवन की ओर जाता है, और इससे ऊपर ही है टॉप पे वो रहा माता रानी का भवन। जय माता दी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रियासी, मतलब रियासी से थोड़ा सा ही दूर है, और यहाँ पे ज्वाइन करेगा हमारा प्यारा दोस्त भाई जिसकी मैं आज थोड़ी करने वाला हूँ पिटाई। तो डरना नहीं उसको देख के, 6'2" उसकी हाइट है, 5'7" मेरी हाइट है, लेकिन मैं उसकी पिटाई कर लूँगा भाई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। तो आ चुके हैं हमारे कर्तव्य मयूर शर्मा। मयूर शर्मा क्या हाल है? ये पाइप ऐसे पड़ी अंदर ले लो। मयूर जी कैसे हैं आप? मेरे घर में आग लगाने वाला बंदा यही है। अभी आपके घर में बात क्या, पता क्या चल रही है? अरुण गया अंकल को पूछा कि लाइट है, ऊपर गया और लाइट चली, लाइट चली गई अरुण की। तो दोस्तों मेरे पीछे है इंडिया का सबसे ऊंचा, इनफैक्ट इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, और ये है वो ब्रिज। क्या व्यू है इधर यार, क्या व्यू है। और ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, मतलब कितने सालों की मेहनत के बाद ये ब्रिज बना है। और ये ब्रिज मैं आपको बता दूं आईफिल टावर से 35 मीटर ऊपर है, आईफिल टावर से भी, तो आप इसकी विड्थ हाइट समझ सकते हैं। और ये जो नीचे, जो इसके नीचे बह रही है, ये है रिवर चिनाब। सारी डिटेल तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, थोड़ी मेहनत आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप गूगल भी करें, क्योंकि इतना याद रखना मेरे लिए भी मुश्किल है। फिलहाल के लिए आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ अच्छे ड्रोन शॉट, और आपको बताऊँ बारिश हो रही है लेकिन आपके लिए बारिश में ड्रोन उड़ा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ यहाँ के ड्रोन शॉट। तो दोस्तों अमेजिंग ट्रिप रहा हमारा रियासी का आज। तो इस ट्रिप में आपको हमने बताया है कि ये जो ब्रिज है इंडिया का क्या वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये। तो बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन मेरे को याद नहीं है, आप गूगल पे देख लेना, जो थोड़ी बहुत याद थी वो मेन उसमें यही है कि ये 35 मीटर ऊँचा है और 1000 एंड समथिंग मीटर लंबा है। तो
जो इसका व्यू है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग। ये नीचे है चिनाब रिवर और पीछे जो पहाड़, मैं तो बस इमेजिन कर सकता हूँ कि जब यहाँ से ट्रेन गुजरेगी उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, जब ट्रेन इन पहाड़ों से होते हुए इस चिनाब रिवर के ऊपर से गुजरेगी क्या मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे और एंड करते हैं कुछ अमेजिंग ड्रोन शॉट्स के साथ।